नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे सपनों के ऊपर। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपना देखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन सा सपना किस समय आता है। विशेष समय का देखा हुआ सपना अक्सर सच होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के सपने अधिकतर सच होते हैं, क्योंकि इस वक्त को अमृत बेला, चंद्र बेला और ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस वक्त में दैवीय शक्ति भूमंडल पर स्थित होती है और जीव व निर्जीव वस्तुओं पर प्रभाव डालती है। 3 बजे से 6 बजे तक के बीच में देखे गए सपनों का फल 6 महीनों के अंदर मिलता है। रात्रि में 10 बजे से 12 बजे तक देखे गए सपने का कोई अर्थ नहीं होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार रात 12 बजे से 1 बजे तक देखे गए सपनों का फल 3 साल में प्राप्त होता है, चाहे वे शुभ हो या अशुभ। रात 1 बजे से 2 बजे तक देखे गए सपनों का फल 1 साल में प्राप्त होता है, चाहे वे शुभ हो या अशुभ। अगर आप शुभ सपना देखते हैं तो बहुत अच्छा, अगर आप अशुभ सपना देखते हैं तो आपको एक उपाय करना आवश्यक है। सपने में पेड़ देखना। सपने में पेड़ देखना शुभ माना जाता है। सपने में पेड़ देखना मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपको भविष्य में धन की प्राप्ति हो सकती है, आपके जीवन में से परेशानियां कम होने लगेंगी और खुशियों का आगमन होगा। धन्यवाद।